हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार मध्यमा परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो गया है और उसके बाद कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होंगे और एग्ज़ाम फॉर्म कब से आपका फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका सिलेबस क्या होते हैं और कब से आपका एग्ज़ाम होते हैं। ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और सारे चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे चीज़ों का क्लियरली पता चल पाए कि कैसे क्या इसमें प्रोसेस होते हैं और मध्यमा एग्ज़ाम देने के बाद हम कहाँ एडमिशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों की जानकारियाँ हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो वो आपका शुरू हो चुका है। आपका 1 जुलाई से ही मध्यमा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था और अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं वो 14 जुलाई तक चलेंगे। 14 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं बंद कर दी जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना है मध्यमा में वो जाके अभी करवा ले क्योंकि रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई तक ही चलने वाले हैं। 14 जुलाई के बाद आपका जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार संस्कृत बोर्ड या मध्यमा बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक है या देना चाहते हैं वो सारे स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन जाके करवा ले और आपका कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेंगे और वो आपको स्कूल से पता चलेंगे। आप अपने विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन आपके विद्यालय से ही होंगे, ऑनलाइन नहीं होता है। वहीं पे जाके आपके ऑफलाइन मोड में ही सर से बात करके वहीं पे चलान कटता है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जो जाना है डॉक्यूमेंट्स वो आप यदि आधार कार्ड लेके भी चल गए तो आपका हो जाएगा और यदि आपके पास 8वां का ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड लेके भी जाइएगा तो आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए और जो भी आपका संस्कृत विद्यालय है वहाँ पे जाके आप अपने टीचर से मिलिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यदि हम सिलेबस की बात करें तो हम आपका सिलेबस को पूरा एनालिसिस हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे क्या आपका सिलेबस रहते हैं, कितने अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं। वैसे आपका 7 अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं और एक आपका ऐच्छिक विषय होते हैं, टोटल 8 पेपर होते हैं। तो सारे हम पेपर के बारे में, सारे सब्जेक्ट के बारे में हम आपको एक वीडियो में कवर करके बताएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 15 जुलाई से फिल किए जाएंगे। 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम का फॉर्म जो होंगे वो भरे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लीजिए, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन का आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे आगे वाले वीडियो में।